बिजनौर में शहीदी दिवस के मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद भगत सिंह के भतीजे करणजीत सिंह बिजनौर पहुंचे और युवाओं को देश प्रेम की भावना अपने अंदर रखते हुए देश हित के लिए कार्य किए जाने का आह्वान किया और शहीद दिवस पर बिजनौर आकर युवाओं में होती देश प्रेम व देशभक्ति की भावना को फिर से नई दिशा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि देश को आज ऐसे युवाओं की जरूरत है जो देश हित के लिए कार्य करे और देश के लिए अपनी जान भी लगाने के लिए हमेशा तैयार रहे। ये हमारा वही भारत है जिसे शहीदों ने अपने खून से सींचा, अपना बलिदान देश की आन बान शान की खातिर दिया। देश की मिट्टी में हमारे शहीदों के प्राण बसते हैं। युवाओं से अपने देश के शहीदों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने और देश की सेवा करने व जागरूक होकर एक होकर रहने की अपील की। बिजनौर से न्यूज फ्रीडम के लिए मोहम्मद फहीम की रिपोर्ट। देश पर अपने चारों पुत्रों को मार दिया। आज आपका जो शहीद दिवस के मौके पर बिजनौर आगमन हुआ है, किन उद्देश्यों को लेकर आप बिजनौर आए? भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान के 87वें वर्ष की पूर्व संध्या पे यहाँ इसलिए आया हूँ कि बिजनौर के नौजवानों को जो संदेश भगत सिंह जी ने और उनके साथियों ने अपने बलिदान से देश प्रेम और इस देश की जनता को वास्तविक स्वतंत्रता दिलाने के लिए संघर्ष किया, उस संकल्प को फिर दोहराने की जरूरत है, क्योंकि आज संस्कारों की और उस भावनाओं की कमी हो रही है, उस जज्बे की कमी हो रही है जो स्वतंत्रता आंदोलन के उस दौरान था। नौजवानों से ये संकल्प लेने के लिए निवेदन करने आया हूँ कि उस देश अटूट देश प्रेम को फिर से जगाएं और माँ भारती के विश्व गुरु बनाने के लिए काम करें। ये संदेश।